हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ संतरे में है वजन को कम करने के ऐसे गुण जो आपको हैरान कर देंगे। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। यूँ तो संतरा खाने में काफी स्वादिष्ट लगता है और इसकी सुगंध भी काफी अच्छी लगती है। इसमें बड़ी मात्रा में फाइबर, सोडियम और विटामिन पाया जाता है, लेकिन शायद ही लोगों को ये पता है कि संतरा आपका वजन कम करने में काफी मददगार साबित हो सकता है। आपको भी इस बात पर यकीन नहीं होगा कि आखिर संतरा कैसे मोटापा कम करने में आपकी मदद कर सकता है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर कैसे ये संतरा आपको मोटापे से निजात दिलाने में अहम भूमिका निभा सकता है। संतरे को अपनी रोजमर्रे की खान पान में शामिल करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। इसे सीधे तौर पर खाने से ये आपके वजन को कम करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें कैलोरी होती है। संतरे में विटामिन ए, सी, बी और मैग्नीशियम होता है। ये आपके मसूड़े व जीभ को भी साफ करता है, साथ ही पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है और आंतों को भी शुद्ध करता है। यूँ तो संतरे के काफी लाभ हैं, लेकिन उनमें से ये कुछ खास है। तो आइए जान लेते हैं कि कैसे संतरा आपको मोटापा कम करने में मदद कर सकता है। नंबर एक, संतरे में फाइबर अहम है। दरअसल संतरे में फाइबर होता है जो कि आपकी पाचन शक्ति को बहुत बेहतर करता है। एक संतरा तकरीबन 3.1 ग्राम फाइबर से युक्त होता है। फाइबर से आपका पेट काफी लंबे समय तक भर जाता है। ऐसे में अगर आप खाना खाने से पहले संतरा खाएं, तो संतरे का फाइबर आपका पेट आसानी से भर देगा, जिससे कि आपको अधिक खाना नहीं खाना पड़ेगा। नंबर दो, संतरे में कम कैलोरी होती है। अगर आप कोई दूसरा स्नैक संतरे की जगह खाते हैं तो आपको कैलोरी मिलती है, लेकिन इसकी तुलना में संतरे में काफी कम कैलोरी होती है। एक आलू चिप्स के पैकेट में 154 ग्राम कैलोरी होती है, जो कि एक संतरे से 2 गुना ज्यादा है। लिहाजा जितना लाभदायक संतरा आपके लिए है, उतना चिप्स नहीं है। तो अगली बार चिप्स खाने की बजाय संतरा खाने को प्राथमिकता दें। नंबर तीन, लाइफ में हर दिन संतरा सुबह खाली पेट और दोपहर में 2 लीटर संतरे का जूस पीना आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। ये वजन कम करने में रामबाण साबित हो सकता है। सुबह नाश्ता करने से आधा घंटा पहले 1 ग्लास जूस पीना चाहिए, और जबकि दूसरा ग्लास जूस पीने के लिए आपको कम से कम 2 घंटे का इंतजार करना चाहिए। और एक खास बात है कि जूस ताजा होना चाहिए, कभी भी पैक्ड संतरे का जूस नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा क्या खाना चाहिए? अकेला संतरा आपके मोटापे को खत्म करने के लिए काफी नहीं है, लिहाजा आप अपना वजन कम कर सके आपको हेल्दी डाइट का पालन करना चाहिए। साथ ही इन फूड्स को खाने से भी आपको वजन कम करने में मदद मिल सकती है। रसफली और मूंगफली, सब्जी, चोकर सही, गेहूं का आटा, कच्ची चीनी, सोडा और कॉफी, ब्लैक टी, मीठा खाने से बचें। ध्यान रखें ये बातें, और साथ ही इन बात का ख्याल रखें कि आपके खाने की थाली में आधा सामान फल और सब्जियों व सलाद का होना चाहिए। हमेशा समय पर खाइए, साथ ही संतरे का जूस पीना ना भूलें, जिसमें बड़ी मात्रा में फाइबर आपको ये सब पचाने में काफी मदद करेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।